जय माँ शारदे। आज मैं आपको बताऊंगी कि भैया दूज की जो शुभ तिथि है वो क्या पड़ रही है, कि भैया दूज किस दिन मनाया जाएगा। इस साल कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल की जो द्वितीया तिथि होती है वो 14 नवंबर को 2:36 पर शुरू हो जाएगी और 15 नवंबर को 1:47 पर विराजमान रहेगी। तो उदया तिथि होने के कारण इस बार जो भैया दूज का पर्व है वो बहनाएं अपने भाई के माथे पे जो तिलक करेंगी वो 15 नवंबर को दिन बुधवार को मनाएंगी। शुक्ल तृतीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पे भाग उदय का तिलक लगाती हैं और उनकी मंगल कामना की प्रार्थना करती हैं। बहनें भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए कहते हैं कि इस दिन भाई जो तिलक करवाता है तो उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, तो इस दिन तिलक जरूर करवाना चाहिए। इस दिन भाई दूज की जो तिथि को लेकर के कंफ्यूजन चल रहा है तो कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगी कि 14 नवंबर को या 15 नवंबर को भैया दूज है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाए तो 14 नवंबर को 2:36 पर भैया दूज शुरू हो जाएगा और इसका समापन 15 नवंबर को 1:47 पर होगा। तो इसके चलते भैया दूज का पर्व आपको बुधवार को मनाया जाएगा, यानी कि आपको बुधवार के दिन यानी 15 नवंबर को ये पर्व इस बार मनाया जाएगा। भैया दूज का तिलक करने का शुभ मुहूर्त कौन कौन सा है? माथे पे बहन दूज का तिलक लगाती है तो उसके दो शुभ और अभिजीत मुहूर्त बन रहे हैं। उसी बहन भाई को तिलक लगाती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि 15 नवंबर की सुबह 6:44 से ये मुहूर्त शुरू हो जाएगा और 9:24 पर रहेगा, जो इसका प्रथम मुहूर्त है। और जो सेकंड मुहूर्त है तो सेकंड मुहूर्त 10:40 से शुरू हो जाएगा और दोपहर 12 बजे तक रहेगा। लेकिन अगर किसी को परेशानी है, कहीं बाहर जाना है, तो इस भैया दूज का पर्व हम 14 नवंबर को भी कर सकते हैं, क्योंकि 2:36 से भैया दूज लग जाएगा। तो 2 बजे के बाद भी अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो बहनें अपने भाई को तिलक कर सकती हैं 2 बजे के बाद, क्योंकि 14 नवंबर को लग जाएगा और 15 नवंबर को 1:47 तक रहेगा। तो दोनों दिन ही शुभ है, लेकिन कोशिश करें उदया तिथि होने के कारण इस बार जो मनाया जाएगा भैया दूज वो 15 नवंबर को ही मनाया जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? भाई दूज के दिन यमुना नदी या किसी शुद्ध तट का स्नान जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए और भाइयों को अपनी बहनों के घर जाना चाहिए और उनके हाथ से बना खाना अवश्य खाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर बहन भाई को खाना खिलाती है, तिलक करती है, आरती उतारती है और उसके सामर्थ्य के अनुसार उसे भाई कुछ उपहार देता है, तो कहा जाता है कि इस दिन यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनें व्रत करती हैं। भाई दूज के दिन यम राज के साथ भी साथ इस दिन सचिव चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है और चित्रगुप्त की पूजा करने से आपको विशेष फल प्राप्त होता है। तो चित्रगुप्त की पूजा करना भी बहुत अनिवार्य होता है। भाई दूज और चित्रगुप्त की पूजा एक ही दिन की जाती है। चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। इनका काम प्राणियों के कर्मों का हिसाब रखना था। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन की जाती है। इनकी पूजा के दौरान भाई दूज की पूजा हो जाती है। इनकी पूजा लेखनी वाणी और विद्या का वरदान मिलता है। चित्रगुप्त भगवान विग्रह की स्थापना करते हैं, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, फिर फूल चढ़ाएं और उन्हें कलम जरूर अर्पित करें। सफेद कागज ले लें और उसमें हल्दी से लगी हुई कलम में कलावा बांध लें और उस कागज पर लिखें श्री गणेशाय नमः आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको 11 या 21 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार ओम चित्रगुप्ताय नमः भी लिखना है। और अगर आप ये काम करते हैं तो आपको बल विद्या बुद्धि लेखनी का
वरदान मिलता है और कहा जाता है कि आप जिंदगी में कभी भी किसी भी कार्य में जो भी लिखने पढ़ने का काम है पीछे नहीं रह सकते हैं। खास तौर से ये पूजा कायस्थ लोग करते हैं, लेकिन सभी वर्ग के लोग करेंगे तो बेहतर रहता है। और फिर उस कलम को सुरक्षित स्थान पर रख दें और इस कलम का आप पूरे साल प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से हम चित्रगुप्त की भी पूजा उसी दिन करेंगे। अब मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में उन्हें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।